गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि अच्छी होगी। तो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेसन टू द वाइज मैन फर्स्ट पार्ट से। बच्चों, कक्षा सात इंग्लिश के अंतर्गत द वाइज मैन फर्स्ट पार्ट का शेष जो भाग है वो ये है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो भी बच्चे देख रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी बुक जो है खोल करके सामने रख ले और जो है मेरे साथ इसका अर्थ पहले हम पढ़ेंगे। जो कहानी है उसमें शांति और भोला भोला पति है और शांति जो है उसकी पत्नी, दोनों का आपस में कन्वर्सेशन की बातचीत हो रही है उस घोड़े को लेकर। शांति कहती है, शांति, इफ वी डोंट सेल इट वी शैल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। भोला कहता है, ओ एस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। शांति शांति कहती है, शांति कहती है, एस डिसीजन, राइट डिसीजन, डिसीजन 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 मीन्स निर्णय निर्णय। फिर बोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, एक्सचेंज माने बदलना, एक्सचेंज में किसी वस्तु को किसी वस्तु में बदलना, एक्सचेंज। शांति, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स ईट्स टू मच। घोड़ा, डू नॉट बी एंग्री विद मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। बार्गेन तो बोल रहा हूं। शांति कहती है, है I ever complained to you? Complain मत, शिकायत कर। फिर बोला कहता है, no, never। शांति कहती है, you must leave at once, otherwise, otherwise मतलब अन्यथा, at once means तत्काल, it will be too late। बोला reaches the market. He sees a man with a donkey. He thinks a donkey to be more useful than a horse. अब बच्चों, इसका अर्थ देखेंगे। शांति कहती है, इससे अपने पति से, दोनों की आपस में बातचीत चल रही है, दोनों का आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या कहती है शांति? कहती है कि यदि We don't sell it. Sell माने बेचना, भी माने हम, ठीक है। यदि हम don't negative में है, यदि हम इसे, it means इसे, इसे मतलब और, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे, conditional sentence है, सर्ववाचक वा, उसमें जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो पहला जो है प्रेजेंट में, दूसरा जो है फ्यूचर में, ऐसा रहता है उसमें। लेकिन अंत में जो अर्थ निकलता है दोनों में के शब्द जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हम इसे नहीं बेचेंगे, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे तो क्या हो जाए, तो वी शैल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। माने हम बिकम माने होना, हो जाएगा, हो जाएगा, पुअर माने गरीबी, इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ ही दिनों। यदि हम इसे, शांति कहती है, यदि हमने इसे नहीं, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे तो हम कुछ ही दिनों में गरीब। समझ में आया? शांति कहती है, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे तो हम कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे।
शांति कहती है यदि हम इसे नहीं बेचेंगे तो हम कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे। आगे देखें, बोला कहता है, ओह यस, अरे हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट, क्या मुझे टेक माने ले जाना, लेना, टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट, क्या मुझे इस घोड़े को बाजार ले जाना चाहिए, क्या मुझे इस घोड़े को, इस घोड़े को टू द मार्केट बाजार ले जाना चाहिए, बाजार ले जाना चाहिए, एंड ट्राई टू सेल इट, ट्राई माने प्रयास करना, टू सेल माने बेचने का, और इसे बेचने का प्रयास करना चाहिए। शांति कहती है यस, हाँ, दिस इज द राइट डिसीजन, राइट माने सही डिसीजन, माने यह एक सही निर्णय है, यह एक सही निर्णय है। फिर क्या होता है, बोला कहता है, व्हाट डू यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, तुम गुड लाइक टू एक्सचेंज, लाइक माने पसंद करो, पसंद करो, टू एक्सचेंज माने बदलना, इट माने इस, फॉर माने व्हाट फॉर, किस से, तुम इसे किससे बदलना पसंद करोगी, या तुम इसे किससे बदलना चाहोगी, तुम इसे किससे बदलना चाहो, तुम इसे व्हाट किससे बदलना चाहोगी या पसंद करोगी। शांति कहती है जस्ट एनीथिंग, किसी भी वस्तु से दिस हॉर्स ईट्स टू मच, दिस हॉर्स माने यह घोड़ा ईट्स, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुख्य क्रिया की पहली सूरत में यस जुड़ा हुआ है, यह घोड़ा, जब यस जुड़ा हुआ है तो आप समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें अर्थ में क्या है, अर्थ में ताय है, घोड़ा ईट्स माने खाता, टू मच माने बहुत अधिक, टू मच माने बहुत अधिक, यह घोड़ा बहुत अधिक खाता है, दिस हॉर्स ईट्स टू मच, टू माने भी होता है, लेकिन यहाँ ये टू जो है इसका बहुत, जैसे बोलते हैं ना थैंक यू सो मच, ठीक है, तो वहां भी सो का जो है बहुत, तो ऐसे टू मच माने बहुत बहुत अधिक के सेंस। अब यदि हम इसमें उसकी बात करें कि ये टू क्या है, ये टू एडवर्ब है, क्या है टू, ये एडवर्ब, ठीक है, मच क्या है एडजेक्टिव, इसकी मच की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब समझ रहे हैं ना, हमने अभी इसमें आपको पढ़ाया, तो आपको देखना दिस ऑल इट्स टू मच, यह घोड़ा बहुत अधिक खाता, यह घोड़ा बहुत अधिक खाता, घोड़ा जो है कहता है नाराज मत होना, डू नॉट बी एंग्री, नाराज मत होना, नाराज मत होना, समझ रहे हैं, नाराज मत होना, मुझसे नाराज मत होना, क्यों भाई, इफ यदि आई मेक अ पुअर बार्गेन, यदि मैं ओछा सौदा या पुअर बार्गेन, मतलब यो कहें कि थोड़ा हल्का सौदा, कमजोर सौदा,
घोड़े के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर ऊंचा, जैसे कहने का मतलब कि जैसे किसी चीज की कीमत 20 रुपए है और आप उसको 10 रुपए वाली चीज से बदल दें, ये यदि मुझसे कह रहा है, बोला कह रहा है, उनका बेइज्जती मुझसे नाराज मत होना, इफ यदि डू नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत होना, यदि इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन, यदि मैं हल्का सौदा कर लाऊं तो मुझसे नाराज मत होना। फिर शांति कहती है, है आई एवर कंप्लेंट टू यू मैडम, है शुरू में लगा, आप समझ गए क्या है शुरू में लगा हुआ है और यहाँ पूछा कि किसी सूरत क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, आप समझ गए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, जब है शुरू में लगा हुआ है प्रश्नवाचक तो शुरू में क्या सब जुड़ेगा, क्या 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 आई मैंने, क्या मैंने एवर कभी, क्या मैंने कभी, क्या मैंने कभी कंप्लेन माने शिकायत की है, शिकायत है कंप्लेन थर्ड पार्ट में शिकायत की टू यू आपसे। शांति कह रही है कि क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की हो, बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारे जब जो है चीजें हुई होंगी पूछनी, तो वो कहती है कि क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है किसी भी बात को लेकर, ये अच्छा नहीं किया आपने, ये ऐसा कर डाला, ऐसा किया, ये आपसे गलती हो गई, क्या मैंने कभी ऐसी कंप्लेंट की है। तो आपकी कहती है क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है, क्या मैंने आपसे, क्या मैंने आपसे कभी शिकायत की है। घोड़ा कहता है नो नेवर, नहीं कभी, नहीं कभी। घोड़ा कहता है नो नहीं कभी, तुमने कभी कोई शिकायत, नो नेवर नहीं कभी। शांति कहती है, क्या कहती है शांति, क्या कहती है, फिर कहती है यू मस्ट लीव एट वंस, तुम्हें तत्काल जाना चाहिए, तुम्हें तत्काल यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम्हें तत्काल यहाँ से छोड़ देना चाहिए स्थान, तुम्हें तत्काल जाना चाहिए, यू मस्ट लीव एट वंस, तुम्हें तत्काल जाना चाहिए, तत्काल छोड़ देना चाहिए इस स्थान को, यानी तत्काल जाना चाहिए, अन्यथा अदरवाइज, अन्यथा अदरवाइज। अब अदरवाइज सब देखिए दो आदमियों को जोड़ रहा है, एक वाक यहां से यहां तक ये बन गया, ये वाक आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। तो जब हमने आपको बताया था कंजक्शन, जब पढ़ाया था कि जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है वो कंजक्शन, तो ये अदरवाइज है कंजक्शन। तो तुम्हें तत्काल जाना चाहिए, अन्यथा इट विल बी टू लेट, अन्यथा टू लेट बहुत देर, विल बी बहुत देर हो जाएगी, अन्यथा बहुत देर, मतलब उसके कहने का भाव यह था कि तुम्हें तत्काल इसको लेकर के जाना चाहिए, अन्यथा बहुत लेट हो जाए, बहुत देर हो जाए, ये हमारा सारा जो हमें धन मिला हुआ है सब ये खा डालेगा और हम गरीब हो जाए, ऐसा उसका मानना था। तो कह रही थी कि तुम्हें तत्काल जाना था, अन्यथा बहुत लेट हो जाए। अब बच्चों क्या होता है, भोला रीच द मार्केट, भोला मतलब रीच माने पहुंचना, मार्केट माने बाजार, भोला रीच द मार्केट,
भोला बाजार जो है पहुंचता है, भोला यहां फिर देख लीजिए जहां डीएस जुड़ा हुआ है तो भोला बाजार पहुंचता है, इसीलिए अर्थ में शब्द क्या आ रहा है अर्थ में आ रहा भोला बाजार पहुंचता है, भोला बाजार पहुंचता है। ही माने वह, सी यस लगा हुआ है सी, पर मेन वर्ब में यस लगा हुआ है यहां भी इंडेफ प्रेजेंट में। ही माने वह, सी माने देखता, अमैन माने एक आदमी, बिन माने के साथ, किसके साथ देखता, अडल्टी। अब इस लाइन क्वेश्चन, वह एक गधे के साथ, एक गधे के साथ एक आदमी को देखता, या यूं कहें वह एक आदमी को गधे के साथ देखता, वह एक आदमी को गधे के साथ देखता। थिंक्स वह सोचता है, वह थिंक्स वह सोचता है, थिंक माने सोचना, यस लगा है इसलिए पास्ट टेंस में जाएगा। ही थिंक्स वह सोचता अडल्टी, क्या सोचता कि एक गधा टू बी मोर यूजफुल, मतलब मोर यूजफुल माने अधिक लाभदायक, टू बी होगा होना, मतलब ये एक गधा अधिक लाभदायक होगा। किसकी अपेक्षा है, मैन की अपेक्षा, अ हॉर्स एक घोड़े की अपेक्षा एक गधा अधिक लाभदायक होगा। He thinks, फिर से देखें, he thinks a donkey to be more useful than a horse। वह सोचता है कि एक गधा एक घोड़े की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से यहां तक का अर्थ हुआ, और इसको आपने जो है देख लिया। अब इसमें कुल मिलाकर के आपको यह है कि भोला जो है और शांति के बीच का कन्वर्सेशन है, भोला जो है वो पति है और शांति उसकी पत्नी है, दोनों का वार्तालाप कन्वर्सेशन हो रही है। तो बच्चों इसी को आपको होमवर्क के रूप में, इसी को आपको जो है पहले रीडिंग करनी है, इसकी फिर अर्थ लगाना है, और इसके जो शब्द मैंने बताए उनको जो है तैयार करना है। धन्यवाद।